आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड कप फीवर चल रहा है, अब तो हम सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सर डॉन ब्रेडमैन। आज हम भैया क्रिकेट की हिस्ट्री जानेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं, हम उस एरा में पैदा हुए हैं दोस्तों जब क्रिकेट बहुत फला फूला, और हम तो भारत में पैदा हुए हैं जहां गली गली में क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ हॉकी के प्लेयर मर रहे हो, बाकी खेलों के प्लेयर मर रहे हो, उनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन क्रिकेट यहाँ पे हमेशा खेला जाता है। खैर इसमें क्रिकेटर्स की गलती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। वो बेचारे क्या करें, वो तो अपना काम करते हैं। क्रिकेट दोस्तों बता दूं कि क्रिकेट एक बहुत ही टफ गेम होता है, ये आसान गेम नहीं होता है। बहुत सारे देश क्रिकेट इसलिए नहीं खेलते हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, वो क्रिकेट को बोरिंग और वेस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे ज्यादा टफ गेम होता है, 5-5 दिन तक चलता है, सुबह से शाम तक खेलना इट्स नॉट एट ऑल एन इजी टास्क, ठीक है। तो इसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए होती है, ठीक है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है क्रिकेटर बनने के लिए। तो बहुत ही मुश्किल गेम होता है, और उनको जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो सही मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भैया पहले लेजेंड कौन थे, पहले के जमाने में किस तरीके से क्रिकेट होता था। और सर डॉन ब्रेडमैन का नाम तो सभी ने सुना होगा, हमने इनको खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि उस समय दोस्तों टीवी तो था नहीं, सैटेलाइट तो थी नहीं कि टीवी पे ये पूरा टेलीकास्ट हो रहा है, कैमरा भी नहीं था। तो सर डॉन ब्रेडमैन के बारे में सिर्फ हमने सुना है, लेकिन आज हम देखेंगे उनके बारे में कि किस तरीके से ये खेलते थे। रिकॉर्ड है, आपको बता दूं कि जब इनका देहांत हुआ था तो उससे 1 साल पहले इन्होंने बर्थडे मनाया था, तो उसमें पता है किसको बुलाया था, सिर्फ 2 लोगों को, सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न। और सचिन तेंदुलकर के लिए सर डॉन ब्रेडमैन ने बोला था कि ये मेरी तरह खेलता है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ये। खैर आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह लेक्चर के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप 2020 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने पूरे स्टडी आईक्यू ने पूरे वास्ट सिलेबस को कवर किया है। आज इस कोर्स को अवेल करें, ₹625 प्रति माह से स्टार्ट। तो ये देख लीजिए दोस्तों, भैया करियर कितना खतरनाक है इनका, 52 टेस्ट मैच खेले हैं। ये सब छोड़िए आप, ये सब सिर्फ एवरेज देखिए, एवरेज 100 का तो नहीं है वैसे, 0.6 से 100 का नहीं हो पाया, 95.14 फर्स्ट क्लास करियर में, करियर बेस्ट देखिए 452 रन, ठीक है, और बैटिंग एवरेज 99.94। और दोस्तों उस समय क्रिकेट ज्यादा टफ होता था, हेलमेट कुछ नहीं होते थे, पैड्स की कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी उस समय क्रिकेट की, और बहुत मुश्किल होता था बैटिंग करना। और उस समय 99.94 के एवरेज से बैटिंग करना, लगभग हर मैच में शतक बनाना, दोहरे शतक और तीहरे शतक तो उन्होंने रिकॉर्ड है इनके इनके नाम पे, ठीक है, कमाल का है दोस्तों, कमाल का प्लेयर था दोस्तों। इसको द इनविंसिबल बोला जाता था, ठीक है, इसको ढेर सारे इनाम मिलते थे। लेकिन आपको बता दूं कि पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा ही होता है दोस्तों, जो क्रिएटिव जीनियस होते हैं, जिनके पास कुछ कला होती है, अक्सर हमने देखा है कि वो थोड़ा कटे कटे से होता है, ये अपने टीममेट से कटे कटे से रहते थे। इनके टीममेट बोलते थे ये तो बड़ा अखड़ू है, ये बात नहीं करता, लिखना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन बहुत लिखते रहते थे, काफी किताबें भी लिखी हैं, जर्नल्स भी लिखा है, इवन ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स के लिए भी ये काम करते थे, ठीक है ना। तो ये चीज थी उस समय दोस्तों। देखिए आज क्या होता है, आज तो अगर क्रिकेटर बन गए तो इतना पैसा कि पुछते बैठ के खाती हैं, अगर अच्छे क्रिकेटर बन गए, मेहनत लगती क्रिकेटर बनने में, उस समय ऐसा नहीं था, तो कुछ भी नहीं था ऐसा, खेल को बिल्कुल साइड में रखा जाता था, दूसरा बिजनेस करना ही पड़ता था घर चलाने के लिए। तो यहाँ पे डॉन ब्रेडमैन ने भी, उनका स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस था, ठीक है, उनकी पूरी कंपनी थी, ठीक है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। तो ये आपने करियर देख लिया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप अगर इनकी हम अर्ली लाइफ के बारे में जाने, तो देखिए दोस्तों डॉन ब्रेडमैन ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को फैलाया, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट जो है उनका नेशनल गेम है, ठीक है। डॉन ब्रेडमैन को ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन तक बोला जाता है, भैया इनके नाम पे स्टैंप करेंसी जारी की जाती है, डॉन ब्रेडमैन की बहुत इज्जत है। आपको बता दूं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का हालांकि ऑफिशियली हिस्सा तो नहीं रहे, लेकिन हमेशा उनको एडवाइस करते थे कि किस तरीके के लोगों को सिलेक्ट करना है, क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाना है। वैसे दोस्तों अगर क्रिकेट की हिस्ट्री बताओ तो बहुत ओल्ड गेम है, ठीक है ना, ये नया गेम नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम है। आपको बता दूं कि 17वीं शताब्दी में 1610 में ये खेला जाने लगा था, उससे पहले तक इसके जो रूट्स है वो ट्रेस किए जाते हैं। पता है पहला इंटरनेशनल मैच किसके खिलाफ किसके किसके बीच खेला गया था, आपके होश उड़ जाएंगे, उसी देश के बीच खेला गया था जो बोलता है क्रिकेट बिल्कुल बकवास है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। बिल्कुल सही सुना आपने,
इंटरनेशनल, लेकिन ऑफिशियल जो मैच खेला गया था, पहला ऑफिशियल मैच, ठीक है, पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल मैच खेला गया था जिसने क्रिकेट को जन्म दिया। क्रिकेट को किसने जन्म दिया? इंग्लैंड ने। हम इंग्लैंड को बोलते हैं कि यही क्रिकेट के जन्मदाता है, ठीक है, इन्होंने ही क्रिकेट को बनाया, क्रिकेट को इन्वेंट किया। तो पहला जो मैच है वो दो सबसे बड़ी कंट्रीज और दो इन दोनों की कंट्रीज की बहुत पुरानी राइवलरी है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं दोनों के बीच ही मैच हुआ था। ऐसे सबसे पुरानी सीरीज मानी जाती है, ठीक है, इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1877 में, ठीक है ना। और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का भी टूर करना शुरू किया था, ये पहली टीम थी जिसने इंटरनेशनली बाहर टूर किया था, एमसीजी में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये खेला गया था। तो भैया क्रिकेट की हिस्ट्री इतनी पुरानी है। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खेल जो खेला जाता है वो है फुटबॉल, सॉकर, वो सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है, लोकप्रिय। दूसरे नंबर पे है क्रिकेट, जी हाँ, दूसरे नंबर पे क्रिकेट को दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। ज्यादा लोग इसको इसलिए नहीं देखते क्योंकि जैसे आपको पता है ये पूरा पूरा दिन चला जाता है, अगर आप टेस्ट मैच देख रहे हैं तो 5 दिन चले जाएंगे, तो इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन बहुत ही जल्द चाइना भी क्रिकेट में आ रहा है। संजय मांजरेकर कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी अभी जब इंडिया बांग्लादेश का मैच था, तो आपने देखा होगा कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो इंग्लैंड में इंग्लैंड का मैच होता है, लेकिन इंडिया के क्राउड इतना ज्यादा आ जाता है कि ऐसा लगता है भैया भारत में ही मैच हो रहा है। और ये आप कहीं पे भी देखें, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाए, चाहे इंग्लैंड चले जाए, चाहे न्यूजीलैंड चले जाए, चाहे साउथ अफ्रीका चले जाए, वहां इंडियंस इतने आ जाएंगे कि वो सबको आउट नंबर कर देंगे। तो संजय मांजरेकर ने बोला था कि जब तक चाइना नहीं आता तब तक हमारे लिए बहुत बढ़िया है, जब चाइना आएगा तो भैया चाइना फिर तो आप जानते ही हैं वहां का फिर पूरा क्राउड आ जाएगा। वैसे चाइना भी क्रिकेट में बहुत जल्द आने वाला है, अरे बाप रे, वो तो फिर बोलेगा क्रिकेट ही हमारा है। खैर जोक्स अपार्ट, तो अगर डॉन ब्रेडमैन की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म 1908 न्यू साउथ वेल्स में हुआ था, ठीक है। ये इंग्लिश ओरिजिन के ही है, इनकी 3 बहनें और 2 भाई हैं, ठीक है, 27 अगस्त 1908 में। अब दोस्तों ऐसा है कि बचपन से ही क्रिकेट खेलते थे ये, ठीक है, आपको बता दूं कि ये क्या करते थे अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ये गोल्फ बॉल लेते थे और एक स्टंप लेते थे और उससे बैटिंग किया करते थे। इतना ज्यादा दोस्तों ऐसा है कि इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की, ठीक। ये क्या करते थे कि एक टैंक था, एक ऐसे कर्व्ड टैंक था, ठीक है, वहां पे ये बॉल मारते थे, बॉल बाउंस करके आती थी, ये फिर उसी बॉल को मारने की कोशिश करते थे, बहुत टफ होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से तो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन नन्हे ब्रैडमैन शुरू से ही टैलेंटेड थे। 12 साल की उम्र में ही इन्होंने स्कूलों के लिए, क्लब्स के लिए खेलना शुरू कर दिया, 115 रन बना दिए दोस्तों, 115 रन बना दिए, बहुत इनका फर्स्ट क्लास करियर तो कमाल ही रहा है। और जब इन्होंने सेंचुरी बनाई तब तो ये नजर में आ गए। इसी दौरान दोस्तों 18 साल तक ये बहुत सारे क्लब्स के लिए खेले, स्कूल्स के खिलाफ खेले, कभी 200 मार रहे हैं, कभी 300 मार रहे हैं, एवरेज इनका 100 से ऊपर हमेशा। तो भैया ऐसा बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में आना ही आना है। 19 साल की उम्र में इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, असली टैलेंट की पहचान फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही तो होती है। अगर कोई लड़का अब ऐसा आजकल क्या होता है दोस्तों, आईपीएल खेल लिया तो डायरेक्ट आ जाओ, ऐसा आपने देखा होगा, लेकिन उनका करियर ज्यादा चलता नहीं है, फर्स्ट क्लास करियर आपको खेलना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस यहीं से होती है ना, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो हम देखते हैं कि 19 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया, फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, 118 रन मार दिए। और उसके बाद ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों, 18 रन जो इन्होंने मारे, 118 रन उन्होंने मारे, ये सिर्फ शुरुआत थी कि आगे क्या आने वाला है। 20 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया, ठीक है, और इंग्लैंड के खिलाफ ही डेब्यू किया। देखिए दोस्तों कौन कौन सी टीमें खेलती थी, इंडिया खेलता नहीं था उस समय, श्रीलंका खेलती नहीं, ये सब तो ब्रिटिश में है, ठीक है, पाकिस्तान, खैर इंडिया तो उस समय एक ही था, तो एशियन टीम्स कोई थी ही नहीं, ठीक है। कौन कौन खेलता था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके तो सबसे ज्यादा मैच होते थे, कैरिबियन, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ये सारी टीमें जो है वो खेलती थी, ठीक। तो अब ज्यादा टीमें नहीं और ज्यादा जो मैच होते थे वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ही होते थे, ठीक है ना। तो ये चीज है, 20 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने अपना डेब्यू किया, इससे पहले इन्होंने ढेर सारी सेंचुरी मारी, फर्स्ट क्लास में भी सेंचुरी मारी और जो ये स्कूल और क्लब्स के खिलाफ खेलते थे उनके खिलाफ भी सेंचुरी मारी। और ब्रिस्बेन में इन्होंने अपना डेब्यू किया 20 साल की उम्र में। पहली इनिंग में तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 बनाया, ऐसा अक्सर होता है, पहली इनिंग में 18 बनाया लेकिन ठीक थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक के बाद एक सेंचुरी बनाई,
पहले इन्होंने 80 बनाए और उसके बाद फिर उन्होंने 112 बनाए, एक 20 साल का क्रिकेटर 112 बना रहा है। उसके बाद ये जो सेंचुरी बनाई थी ये यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए थे जिन्होंने उस समय सेंचुरी बनाई थी टेस्ट क्रिकेट में। अब दोस्तों आप जरा यहां पे कंपैरिजन करिए, अच्छा जितनी सीरीज की मैं बात करूंगा ये कौन सी है, एशेज, एशेज सीरीज, सबसे ओल्डेस्ट सीरीज, तो ये एशेज, ठीक है किसी दिन इसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा, काफी मजेदार है। तो ये एशेज सीरीज है, आपको ये चीज याद रखनी है। तो यहां पे एशेज सीरीज हो रही थी और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बना दिए सौ रन, शतक बना दिया। अब ये पूरे देश में एक सेंसेशन हो गए। दोस्तों उस समय ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में। अमेरिका की पॉलिसी, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस पे मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, ग्रेट डिप्रेशन और अमेरिकन हाउसिंग क्राइसिस, देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझाया है। स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया, लोगों ने अपने पैसे वापस लेने शुरू कर दिए, बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, लोगों के पैसे डूब गए। आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन में लोग सड़क से थोड़ा हटके चलते थे, पता है क्यों? ऐसा था उस समय कि ऊपर से आत्महत्या करते थे लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कूद जाते थे, और वो जब कूदते थे तो दूसरे लोगों के ऊपर कूदते थे तो उनकी भी मौत हो जाती थी। तो ऐसा डर था कि लोग सड़क से हटके चलते थे, इतना खतरनाक था ग्रेट डिप्रेशन, इतने लोग आत्महत्या कर रहे थे उस समय। क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रेट डिप्रेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह, गरीबी हर जगह, प्रॉब्लम, लेकिन इस यंग लड़के ने सबको उम्मीद दे दी। इस यंग लड़के ने, डॉन ब्रेडमैन ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक सनसनी फैला दी कि भैया खेल हो, खेलना चाहिए तो ऐसा, ठीक है खेल हो तो ऐसा। तो यहां पे जो सेंचुरी बनाते थे हर कोई अपनी गरीबी और अपना अनएम्प्लॉयमेंट भूल गया, वो सिर्फ और सिर्फ डॉन ब्रेडमैन को देखने जाते थे। तो ये चीज अब यही होता है। अब होता क्या था दोस्तों कि डॉन ब्रेडमैन ने जो परफॉर्मेंस करते थे तो उनको बहुत सारे इनाम मिलते थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन इनको इनाम देते थे, ठीक है। अब डॉन ब्रेडमैन वो शेयर जो है, वो जो पैसा है, बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं करते थे, जो भी उनको पैसा मिलता था। तो टीममेट बड़े गुस्साते थे, तो वैसे ही भैया उस समय ग्रेट डिप्रेशन था, पैसे थे नहीं, ऊपर से जो इनको पैसा मिलता था वो ज्यादा शेयर भी नहीं करते थे। और आपको बता दूं कि यहां पे इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस जो एक के बाद एक दी है टॉम ब्रेडमैन ने, तो इनको अकेले को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता था। तो इससे भी टीम प्लेयर जो है वो काफी खासे गुस्से में रहते थे, ये पूरी टीम परफॉर्मेंस। हालांकि डॉन ब्रेडमैन ये खुद कहते थे कि ये पूरी टीम ने किया है, मैंने नहीं किया है, लेकिन जो भी इनाम होता था या जो कुछ होता था वो अकेले डॉन ब्रेडमैन को जाता था, इनकी टीममेट्स को जाता ही नहीं था। तो बहुत मूड खराब होता था, ये होता है, और पॉलिटिक्स इसी तरीके से फिर स्टार्ट होती है। एनीवे 1930 में एशेज सीरीज हुई और ये प्रोबेबली लाइफ चेंजिंग थी इनके लिए। आपको बता दूं कि यहां पे ब्रेडमैन ने सेंचुरी मारी, पहला टेस्ट 131 रन बनाए, ठीक है ना, और उसके बाद सेकेंड टेस्ट में इन्होंने 254 रन बना दिया, और इसी इनिंग को इन्होंने अपने लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग बोला है, क्योंकि उस समय बैटिंग पिच जो थी वो बहुत ही मुश्किल थी, बैटिंग आसान नहीं थी, बॉलिंग पिच थी बेसिकली, और बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन इस कंडीशन में भी इन्होंने 254 रन बना दिए। अभी तक इंग्लैंड की टीम ने ब्रैडमैन का तोड़ नहीं निकाला था, वो निकाल नहीं पाए थे, पता ही नहीं था कि इनको आउट कैसे करना है, एक बार फिर से चले जाते तो ये आउट ही नहीं होते। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाई दोस्तों, थर्ड टेस्ट हेडिंगले में जो हुआ ना, 334। नॉर्मली एशेज में 5 टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, 5 टेस्ट खेले जाते हैं और सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले जाते हैं। हालांकि पिछले साल जब भारत इंग्लैंड गई थी तो उसने भी 5 टेस्ट खेले थे, तो शायद भारत इकलौती टीम है, शायद क्या भारत इकलौती टीम है जो 5 टेस्ट मैच खेली इंग्लैंड के साथ, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ब्रैडमैन ने 334 रन बनाए, ठीक है, और उस समय ब्रैडमैन का पहला 13 शतक आया और ये कमाल का था, और इन सारे टेस्ट मैच के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जीती एशेज सीरीज। और उसके बाद तो भैया इनका ऐसा दबदबा हुआ कि इनको कैप्टनसी ही दे दी गई, ठीक है ना, और यही एशेज जो थी ये डिसाइडिंग थी, ये इनके करियर में ये डिफाइनिंग मोमेंट था, क्योंकि यहां पे इनको बहुत सारे ऑफर्स मिलने लगे, ठीक है, और यहां पे बहुत ये बिजनेस भी करना चाहते थे, तो बहुत सारे बिजनेसमैन का तांता भी लग गया, ये बुक्स भी लिख रहे थे, किताब भी लिख रहे थे, जब भी इनको फ्री टाइम मिलता था ये किताब लिखते थे, ज्यादा बातचीत सोशल नहीं थे दोस्तों, ये डॉन ब्रेडमैन बहुत ज्यादा सोशल इंसान नहीं थे। अरे जब इनकी शादी हुई थी ना तब भी इनका बड़ा मूड खराब था कि इतनी सारे इंसानों को क्यों बुला लिया, बहुत भीड़ हो गई, काफी चिड़चिड़े टाइप के थे, लेकिन इनको अच्छा लगता था लिखना, लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। चिड़चिड़े थे इसका मतलब ये नहीं दोस्तों इनका नेचर खराब था, एक इंसान बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनकी टीममेट्स ने एक टाइम पे ये बोला था कि डॉन ब्रेडमैन जो है उनको बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग नॉलेज है, और अगर वो हमारे कैप्टन रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना।
तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चिड़चिड़े और इस तरीके का आप ये मत समझ लीजिए कि इंसान बुरा है, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद दोस्तों इनका करियर जो है वो आगे बढ़ता रहता है। इंग्लैंड के साथ इन्होंने मैच खेले, साउथ अफ्रीका के साथ इन्होंने मैच खेले, और हर मैच में इन्होंने सेंचुरी बनाई। 974 रन उस समय इन्होंने बनाए थे दोस्तों उस टेस्ट सीरीज में, और 140 का एवरेज था। बाप रे, 140 का एवरेज! विराट कोहली हमारे ग्रेट बैट्समैन है, उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है दोस्तों। उनका वनडे में एवरेज कितना है? 60 का, ठीक है। और विराट कोहली को हम ऑल टाइम ग्रेट मानते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं टैलेंटेड, कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं दोस्तों। रोहित शर्मा जब खेलते थे, रोहित शर्मा को दूर दूर से देखने के लिए लोग आते थे। डॉन ब्रेडमैन जब खेलते थे, ये टैलेंटेड है, डॉन ब्रेडमैन को दूर दूर से देखने के लिए लोग आते थे, ठीक है, कि क्या जबरदस्त प्लेयर है। सचिन तेंदुलकर के साथ भी ऐसा ही था। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है जो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं थे, शुरू से कोई वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं रहे हैं, वो एक एवरेज प्लेयर रहे हैं, ठीक प्लेयर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली ने मेहनत की है, वो उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज वो दुनिया के सबसे महान प्लेयर बन गए हैं, ठीक है, इस समय के सबसे महान प्लेयर। हर मैच में शतक बनाते हैं, तो ये मेहनत का नतीजा होता है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, और अगर आप खेल में हैं तो हार्ड वर्क करते ही जाइए, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉन ब्रेडमैन का ये जो गोल्डन करियर है ये आगे बढ़ता रहता है। 1930 से लेकर 1934 तक उन्होंने बहुत सारे टेस्ट खेले, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीकन, सबके साथ उन्होंने टेस्ट खेले 1931, 1932, और गजब 130 140 की औसत से उन्होंने रन बनाए, ठीक है। ढेर सारे उन्होंने शतक बनाए, दोहरे शतक बनाए, तीरे शतक बनाए। इनका जो गोल्डन करियर है, इनके टीममेट्स इनको ब्रैडल्स बोलने लगे। लेकिन दोस्तों 1934 में कुछ ऐसा हुआ कि यहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। 1934 के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड की टीम ने तोड़ निकाल लिया कि डॉन ब्रेडमैन को खत्म कैसे करना है। डॉन ब्रेडमैन थोड़ी शॉर्ट पिच डिलीवरी जो होते थे, जो पहले गिर जाती है दोस्तों, छोटी बॉल, उसके आगे स्ट्रगल करते थे डॉन ब्रेडमैन। तो यहां पे क्या किया, बॉडी लाइन, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप था, आज भी आप देखते हैं तो बॉडी लाइन पे जब कोई बैट्समैन बहुत ज्यादा मार रहा होता है, हालांकि आज तो इसको बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं माना जाता, तो जो बॉलर होते हैं वो बॉडी लाइन पे ही डालते हैं। बॉडी लाइन क्या मतलब, कि आपके शरीर पे ही लगातार शॉर्ट डिलीवरी डालेंगे, ठीक है, और ये नेगेटिव क्रिकेट होता है एक तरीके से। तो ये बॉडी लाइन लैंग्वेज है, जो बॉडी लाइन है, ये टेक्निक जो है, मतलब ये जो पूरी चीज है, ये मेथड जो है वो इंग्लैंड ने इन्वेंट किया। उसके बाद लगातार इंग्लैंड जो है वो डॉन ब्रेडमैन को ऐसी ही बॉले डालता रहा, उनकी बॉडी लाइन पे बॉले डालता रहा, ब्रेडमैन स्ट्रगल करते रहे। पहली बार ऐसा हो रहा था दोस्तों कि डॉन ब्रेडमैन जो है वो आउट हो रहे थे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वो इससे डरने वाले तो है नहीं, वो वापस आया, और 134 का जो इंग्लैंड का टूर हुआ था उसमें भी इन्होंने कमाल का दोहरे शतक, शतक बहुत सारे रन बनाए दोस्तों। और उसके बाद देखिए 1934 से लेकर 1938 तक इंग्लैंड जीत ही नहीं पाई, ठीक है। इंग्लैंड को बार बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया, एशेज में बार बार हराया, ठीक है, जब भी मैच होता था। 1948 तक तो ऑस्ट्रेलियन टीम को द इनविंसिबल बोला जाने लगा, कि इंग्लैंड जितनी बार भी खेली है उसके बाद हारी है। लेकिन दोस्तों ये जो बॉडी लाइन वाली ये जो चीज है, ये जो मेथड था, ये ब्रैडमैन को बहुत ज्यादा परेशान किया था। यहां पे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने इसको अपोज भी किया था। आपको बता दूं दोस्तों कि जब बार बार बॉल जो है वो बॉडी लाइन पे डाली जाती थी, 18 का एवरेज हो गया था, सिर्फ और सिर्फ 18 के औसत से डॉन ब्रेडमैन रन बनाते थे, और बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। ये एक साल का फेज था, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही जल्द चला गया। डॉन ब्रेडमैन ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की, और इसी मेहनत का नतीजा उनको मिला। 1938 का जो टूर हुआ, फिर उन्होंने शतक और दोहरा शतक लगा के ये साबित कर दिया कि मैं ही बेस्ट। 1938 का भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त टूर था, क्योंकि यहां पे डॉन ब्रेडमैन की कमजोरी पता चल गई थी इंग्लैंड को, तो काफी ज्यादा, और इंग्लैंड को फेवरेट्स माना जा रहा था। डॉन ब्रेडमैन स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन क्या गजब उन्होंने वापसी की दोस्तों। 1938 जो फर्स्ट टेस्ट था, ठीक है, वो ड्रॉ रहा। दूसरा टेस्ट था दोस्तों, उसमें डॉन ब्रेडमैन ने 144 रन बनाए थे, लेकिन बहुत स्लो बनाए थे। यहां पे स्टैन मैकेबी ने 232 रन बनाए थे, तो वो लैमलाइट ले गए थे। सेकेंड टेस्ट भी ड्रॉ रहा, थर्ड टेस्ट धुल गया, फोर्थ टेस्ट धुल गया, लेकिन चौथे टेस्ट में 107 रन का खाली टारगेट दिया था, और यहां पे 16 रन बना के ब्रेडमैन आउट हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया 61 पे 4 था, 107 रन का टारगेट आखिरी टेस्ट, और ये जो जीतेगा वो ऐसे जीतेगा, और 61 पे 4 ऑस्ट्रेलिया, ब्रेडमैन 16 रन बना के चले गए पवेलियन वापस, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया जीता, एशेज को रिटेन किया। कमाल का मैच यही होता है दोस्तों।
अब तो वैसे नहीं, लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, मेरी जो पर्सनल सबसे फेवरेट एशेज सीरीज रही है वो 2004 की रही है। 2004 की क्या कमाल की एशेज सीरीज रही थी दोस्तों, 2004 की 2005 जब इंग्लैंड 2-1 से जीता था, इंग्लैंड इंग्लैंड 2 मैच जीता था और ऑस्ट्रेलिया 1 मैच जीता था, कमाल की सीरीज रही थी दोस्तों। उसमें हर एक मैच इंटरेस्टिंग हुआ था और उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम कमाल और इंग्लैंड टीम और ज्यादा कमाल, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, साइमन जोन्स, ग्रैंट जोन्स, मार्कस ट्रेस्कॉथिक, मार्कस ट्रेस्कॉथिक मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर थे। यहां पे अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रेटली, ग्लेन मैग्रा, शेन वॉर, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, तो वो जो मैच था ना, वो जो सीरीज थी वो कमाल की थी। ऑस्ट्रेलिया के उस समय ग्रेटेस्ट टीम थी और इंग्लैंड की भी ग्रेटेस्ट टीम थी और इंग्लैंड भारी पड़ा, ठीक है। तो ये वो बहुत ही जबरदस्त सीरीज थी और एशेस का यही रोमांच होता है, ठीक है, जीतना ही है दोनों टीमों को, तो ये चीज। उसके बाद दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। अब भैया 1939 1940 में 145 के एवरेज से ब्रैडमैन ने रन बनाए, ठीक है। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट भी यहाँ पे खेल रहे थे, किताब भी लिख रहे थे, बीमार भी ब्रैडमैन बहुत ज्यादा रहते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रैडमैन कई बार बीमार भी पड़े, इनका एक दो बार ऑपरेशन भी हुआ, एक बार इनको खेलते खेलते इतना ज्यादा पेट में दर्द होने लगा कि बहुत दिक्कत हो गई थी, तो खेल भी नहीं पाए थे, इनकी जगह किसी और को कैप्टन बनाना पड़ा था। और जब उन दूसरे इंसान को कैप्टन बनाया था विव रिचर्डसन, उस समय ऑस्ट्रेलियन जीत भी गई थी, तो यहाँ पे सब बोलने लगे कि या तो हम इसी के साथ खेलेंगे। क्यों इसके साथ खेलेंगे? क्योंकि डॉन ब्रेडमैन आप जानते ही, थोड़ा सा अलूफ रहते थे तो टीममेट्स उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में वो वापस आए कैप्टनसी के। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू हो गया, ब्रेडमैन ने कुछ टाइम तक मिलिट्री सर्विस भी थी, और यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ, 1945 में खत्म हुआ, तो ब्रेडमैन एक अपनी कंपनी भी चलाते थे, इनकी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी, ठीक है ना, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, 1945 के बाद तो सभी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई थी। खैर मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं 1945 में था, मैंने पढ़ा है दोस्तों, इसी मतलब उसी बिना पे आपको बता रहा हूँ। तो 1945 पे 1945 में इनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, इनकी कंपनी डूबने के कगार पे थी, क्रिकेट उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन वापस इन्होंने क्रिकेट में एंट्री की और अपनी कंपनी को भी डूबने से बचाया। क्रिकेट में दोस्तों एंट्री की, भारत आजाद हुआ, भारत ने भी क्रिकेट में एंट्री कर ली, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इन्होंने दोबारा अपना क्रिकेटिंग करियर जो है वो शुरू किया, 1945 के बाद इन्होंने फिर से सेंचुरीज की झड़ लगा दी। लेकिन 1948 में दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ इंग्लैंड का, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने फिर एशेज जीती, और हर बार जब भी मैच होते थे इंग्लैंड के साथ तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीतती थी, तो 31 मैचों में हार ही नहीं थी, इनको द इनविंसिबल होने लगा। और 1948 ही यही इनका आखिरी करियर था, आखिरी टेस्ट था दोस्तों 1948 में जो एशेज सीरीज हुई थी। फाइनली एक जबरदस्त बैट्समैन ने रिटायरमेंट लिया 1948 में। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस को देखा, ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन टीम से ये इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्टली जुड़े रहे, ठीक है ना। अब आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 12 डबल 100 है, कुमार संगकारा ने 11 बनाई है, वो सेकंड आते हैं, ठीक है ना। ब्रायन लारा, क्रिस गेल और वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, इनके नाम पे 2 ट्रिपल सेंचुरी, और वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा और क्रिस गेल ने भी 2 ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर इनका जो एवरेज है 7,000 तक पहुंचने वाले सबसे पहले, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तक पहुंचने वाले सबसे पहले, तभी तो इनका एवरेज 99.94 का है ना, वरना तो इम्पॉसिबल है। एक सेशन में इन्होंने सेंचुरी बनाई है दोस्तों, टेस्ट सीरीज में सेशन होते हैं, ठीक है, लंच सेशन, टी सेशन, एक सेंचुरी में तेजी से इन्होंने सेंचुरी बनाई। पहले ओवर नहीं होते थे दोस्तों, पहले टाइम होता था, ठीक है ना, आज ओवर्स होते हैं, 30 ओवर में एक सेशन खत्म, फिर 30 ओवर में एक सेशन खत्म, यूजली यूजली एक टेस्ट मैच में 90 ओवर फेंके जाते हैं, उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय वक्त होता था, ठीक है ना। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है दोस्तों। और अल्टीमेटली इन्होंने रिटायरमेंट लिया, फिर इन्होंने किताबें लिखी, इन्होंने अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, इन्होंने डेली मेल और जो कुछ ऑस्ट्रेलिया के कुछ न्यूज़पेपर्स थे, जर्नल्स थे, उनके लिए इन्होंने काम किया, और द आर्ट ऑफ क्रिकेट इनकी जो फाइनल बुक थी वो 1958 में पब्लिश हुई, ठीक है ना। और 1979 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इनको सर्वोच्च नागरिक, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, ठीक है। 1998 बर्थडे जो इन्होंने सेलिब्रेट किया, तो यहाँ पे इन्होंने दो ग्रेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर, उस समय तो सचिन तेंदुलकर इतने महान नहीं थे, लेकिन डॉन ब्रेडमैन ने बोला था कि ये लड़का मेरी तरह खेलता है, तो भैया ये जो चीज थी वो शायद सचिन तेंदुलकर के लिए काम कर गई और बहुत महान बने। फाइनली दोस्तों 2000 में इनका देहांत होता है, 92 साल के थे, पूरा ऑस्ट्रेलिया दुखी था जब इनका देहांत हुआ था, ग्रेट प्लेयर थे, आज भी इनका नाम जो है वो ग्रेटेस्ट प्लेयर में शुमार है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।